Good morning, all of you. Welcome. Yes, page number 46. Prepositions. We have covered the whole lesson. Now, exercises. Exercises number 1. Think and answer. मैं एंड टू एंड इनके आंसर भी आपको फिल करा रहा हूं, इनके आंसर भी आप फिल कर लें। पेज नंबर 46। यस, एक्स वन, ही वाज बोर्न ऑन 22nd अप्रैल। ऑन लगाना है आपको, सेकंड में द प्लेन विल फाइंड एट, टाइम से पहले एट लगता है, एट लगाना है आपको। थर्ड में ही पैक द गिफ्ट इन द बॉक्स इन। फॉर में सिंस, ये वाला आंसर बोलूंगा आप सुन ले, सिंस आएगा। नंबर 5 में अंटिल। नंबर 6 में ऑन। नंबर 7 में एट। नंबर 8 अंटिल। 9 बाई, बाई थर्सडे, ये टिल के सेंस में आता है, टिल टिल कहते हैं तक, आने वाले टाइम कल कहते हैं ना अपन, बाय टिल मंडे, मंडे तक मैं आपका वेट करूंगा, मंडे तक। 10 है आपका, आई वोक अप ड्यूरिंग इन द मिडिल ऑफ नाइट, रात के दौरान मेरी आंख खुल गई। अंटिल, अंटिल जो है ये निगेटिव निगेटिव प्रीपोजिशन है। अंटिल के बाद डोंट, डजंट, नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 1 इज ओवर। Now we come to exercise 2nd, page number 49. Page number 49. Answer सुनिए, number 1 से लेकर 10 तक। number 1 में at the door, यहाँ 8 क्या शो कर रहा है, nearness, निकटता, दरवाजे के पास खड़ा है। number 2 है in the stars are in the sky, in। थर्ड है बिसाइड द लाइब्रेरी, बिसाइड लाइब्रेरी, बिसाइड एट द साइड ऑफ समथिंग या समबडी, बिसाइड एक तरफ साइड में। फोर्थ बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड द ट्री। नंबर 5 बिटवीन, टू थिंग्स के लिए बिटवीन लगते हैं, और मोर देन टू थिंग्स के लिए एमंग लगता है। नंबर 6 एमंग, एमंग द टॉयज, बहुत सारे खिलौने हैं उसके बीच, बच्चा बैठा हुआ है। नंबर 7 इंटू, इंटू द फायर, पुट द सैंड इंटू द फायर। इंटू कहाँ यूज करते हैं, जहां एक्शन होता है, जहां गति होती है। नंबर 8 अंडर द चेयर, चेयर के नीचे। नंबर 9 है ऑन द पेडेस्ट्रेन, पेडेस्टल, द स्टेच्यू इज माउंटेड ऑन द पेडेस्टल। पेडेस्टल एक प्लेटफॉर्म, छोटा सा स्मॉल प्लेटफॉर्म, जिस पर एक स्टेच्यू को इंस्टॉल किया जाता है। ऑन, और 10 है आपका द फिश लिव इन वाटर, इन आएगा। तो फर्स्ट सेकेंड, यस फर्स्ट सेकेंड हो चुका है, अब थर्ड, आज फर्स्ट सेकेंड को भी लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, क्योंकि थर्ड में 1 to 40 है, पूरे 40 हैं, इतना वर्क आप नहीं कर पाएंगे, आप फर्स्ट और सेकेंड को ही ले लें। वैसे फर्स्ट को आप चेक करा चुके हैं, मुझे मालूम है एग्जाम में, जिन्होंने नहीं कराया है वो लिख दें, और इनको आप याद करें। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आपका, कब, 13 को, वो होगा टेंसेस। 7, 8, 9 ये तीनों चैप्टर आपके टेंसेस को बिलोंग करते हैं, जिसमें आपके प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, यही है वही टेंस जो आप सबसे पढ़ रहे हैं, क्लास सेकेंड से पढ़ रहे हैं, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, वही टेंसेज हैं, फिर भी आप लोग इसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को कवर करने के लिए, सही करने के लिए हम इसको बार बार पढ़ा करते हैं, और फिर आपके सामने है टेंथ, क्लास 8 में आएंगे, वहां भी टेंसेज आप के साथ सुनिए, तो नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस वर्क को आप कर लें, ये आपका वर्क है, और चेक करा लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।